को नहीं मिला, क्यों? ये बड़ा क्वेश्चन है। इतना सारे अच्छे अच्छे टीचर है, इतना सारे यूनिवर्सिटीज़ है, इतना सारे फेमस पीपल है, लेकिन एक क्या वजह है जो हम लोग का कोई अवार्ड्स नहीं मिलता? जो जो इंडियन साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज के साथ जुड़ा वो सब बाहर में काम किया, सब चला गया MSc और PhD का बाद बाहर चला गया जाके किया। इसका पहले डिफेक्ट है, बच्चा लोग का सोचने और बोलने का कोई मौका नहीं मिलता। हमारा सिस्टम ऐसी है जो टीचर जब आता है वो खुद बोलता है, बच्चा को बोलने का कोई मौका नहीं मिलता। मेरा ख्याल में आपको कोई सिलेबस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस का पीछे पड़ जाएगा तो टीचर को यही एहसास होगा जी मुझे तो सिलेबस फिनिश करना है, तो सिलेबस ख़त्म करने के लिए वो बच्चा समझे या ना समझे वो लेक्चर देगा। अब बच्चे लोग क्या होगा, बच्चे लोग चुपचाप सुनता है। जो बच्चे इंटेलिजेंट है, हम एक अलग बात बोलता है, 2 बरस पहले कलकत्ता में एक इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें हु आर द गिफ्टेड हाउ टू रिकॉग्नाइज देम, उसी में मेरा एक पेपर दिया था ये हाउ टू रिकॉग्नाइज द गिफ्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो मैं बोला कि गिफ्टेड का 2 डेफिनेशन है, एक है जिसका मेमोरी बहुत अच्छा है, मेमोरी का जरूरी है, जो गिफ्टेड होगा उसका अच्छा मेमोरी होगा, और दूसरा चीज़ चाहिए जो उसका समझने का कितना कैपेसिटी है, कितना जल्दी से वो समझ जाता है। वो गांव का भी हो सकता, शहर का भी हो सकता है। एक एक्सपेरिमेंट देख के जो फटाफट एकदम आंसर दे देंगे। मेरा जो कोशिश है, मैं थोड़ा इसी ईयर से थोड़ा बदल दिया। क्या बदल दिया? जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करता था पहले उसमें बहुत मज़ा होता है, मैं आंसर दे देता है जैसे मैग्नेट का, जैसे आज बोला है ये मैग्नेट का अंदर इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिज्म आता है, लेकिन बच्चे लोग कैसे समझेगा? सेकंड बात है जो उनसे मुझे रिप्लाई चाहिए, तो मैंने आज नीडल का एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जो एक मैग्नेटिक नीडल का पोलारिटी मैं चेंज कर दिया। अभी बच्चे को मैं पूछता है जो पोलैरिटी चेंज कैसी हुआ, बाहर से तो कुछ नहीं पता चलता, एक तरफ रेड है एक तरफ कुछ नहीं है, वो घूम के इधर आ गया, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, जो भी इच्छा वो बोलो। तो बच्चे लोग कभी कभी बोलता है जे अंदर का जो एटम्स और मॉलिक्यूल जो भी है वो रोटेट कर गया, तब हमारा जो बोलना है हम बोलता है तब आप समझ गया ना जे सॉलिड का अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका रोटेशन हो सकता, उसका मोशन हो सकता, कोई भी डायरेक्शन में वो अलाइन हो सकता। तब अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे जाता है जो किसी तरह का ये अलाइनमेंट होता है, तब बच्चा को लिए कोई थ्योरी नहीं देता है, 11-12 का लिए उसका थ्योरी है जो इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट क्या है। लेकिन मेरा ख्याल में 7-9 ये 3 बरस का स्टूडेंट को हम लोग अच्छा से हैंडल करेगा, से इन लोग बोला है जे एयर प्रेशर का काम करता है, हम एयर प्रेशर का 20-25 एक्सपेरिमेंट्स आएगी, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट का कोई आंसर मैं देता नहीं, चलता है क्या एक्सपेरिमेंट हो गया, बच्चे लोग सब आपस में डिस्कस करो और क्या ख्याल हो तो बताओ। तो क्या होता है जे कभी कभी मुझे करेक्ट आंसर मिल जाता है, नहीं जाता तो फिर मैं लीड करता था, ये चीज़ है। सोचिए एक बात बोलता, किसी बच्चे को आप पूछो जे एटमोस्फेरिक प्रेशर का कितना वैल्यू है, वो बोलेगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर। तो मैं उसको पूछेगा 76 सेंटीमीटर मर्करी देखा कभी, उसका कितना वेट होता है देखा, तो बच्चे बोलते नहीं देखा। तो मुझे यही तरीका चाहिए जिसमें आप समझ सको वो कितना है, तो उसी का मैं एक एक्सपेरिमेंट है, एक सिरिंज दे के उसका नीचे में एक पाला लगा देता है एक झूला का माफिक,
फिर देखता एक छोटा सीरिंज लेके, ऐसे 10 cc सीरिंज लेके जिसका क्रॉस सेक्शन 1 cm² होता है, उसका खींच के उसके अंदर 1 लीटर बॉटल दे देता है पानी भर के। वो छोटा सीरिंज जो बॉटल को उठा लेता है, उसका बाद नहीं सकता। तो इसमें उसका याद होता है जो 1 cm² में 1 kg एयर प्रेशर होता है। फिर उसका कैलकुलेट करके आप देखेगा 6.7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद फिर एक वैक्यूम कप लेके एक्सपेरिमेंट करके देखा था, देखो तुम खुलने नहीं पाएगा इतना जार। इसी तरह का एयर प्रेशर साइड से होता है, एयर प्रेशर कैसे मापा जाता है। बेलून का जो एक्सपेरिमेंट बुक्स में है वो गलत है, क्योंकि बेलून एयर भरने तो बाद बाहर में बायोन्सी आ जाता है, थोड़ा से ज़्यादा होता है क्योंकि प्रेशर से भरा है। इसी तरह का मेरा ख्याल में बच्चे लोग का, मैं एक स्कूल का बात बोलता है, ये वेस्ट बंगाल का पुरुलिया बागमुंडी में एक स्कूल है जिसमें छोटा छोटा स्क्वायर टेबल है, हर साइड में एक ड्रॉयर है, ड्रॉयर में कुछ मटेरियल्स है और इंस्ट्रक्शन भी है। बच्चा बैठ जाता है, इंस्ट्रक्शन निकाल के वो एक्सपेरिमेंट करता है, समझे या ना समझे जो लिखा है उसका वो प्रैक्टिस करता। इसका बाद जब हो जाता है तब टीचर उसको पूछता है जे कौन कौन एक्सपेरिमेंट किया इतने, इसके बाद टीचर डिस्कस करने लगा। उधर में मेरा 30 स्टूडेंट एग्जामिन जाता है तो सब फर्स्ट डिवीज़न जाता है, कोई सेकंड डिवीज़न होता नहीं, और 80% उसका स्टार नंबर मिलता है, उसका मतलब 80 का ऊपर आता है, क्योंकि वो हाथ से करता है समझ जाता है। सोचिए मैग्नेट का 2 पोल होता है, न्यूट्रल रीजन है, ये सब अब सिखा दिया बुक से, अभी वो याद करके ठीक से लिखा तो अच्छा, लेकिन वो हाथ से दिखेगा नॉर्थ पोल साउथ पोल ये सब दिखेगा तो क्या होगा, वो जब लिख आएगा जे मैग्नेट का आपको क्या मालूम है मैग्नेट का बारे से, वो तब लिखेगा उसका दोनों साइड से एक रिपल्सन होता है एक अट्रैक्शन होता है उसका पोल बोल, वो किससे बोलता है, क्योंकि वो समझ गया, वो काम करके समझ गया। इसीलिए मेरा ख्याल में हर टीचर को ये ट्रेनिंग लेना चाहिए जे हम लोग नहीं बताएंगे कैसे स्टूडेंट का साथ बात करके, स्टूडेंट का साथ इंटरेक्शन करके उसका अपना ध्यान से वो डिसीशन में पहुँचेगा कि ये कारण से ये हुआ। नहीं तो कभी इनोवेटिव थॉट्स जो बोलता है इनोवेटिव थॉट्स उसका नहीं आएगा। जितना चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस हो, जितना इंस्पायर एक्टिविटी हो, उसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि उसका अपना खुद कोई इनोवेशन आइडिया नहीं आएगा, तो वो इनोवेशन कैसे आएगा। जब कुछ देखेगा उससे कंक्लूशन लेना, कंक्लूशन नहीं, सोचिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बच्चा आज बोला है जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई नहीं जाता, सब कोई जानता है, MSc स्टूडेंट भी जानता है क्यों बोला, क्योंकि उसका उसी लिए कोई सोच ही नहीं है, जो मन में आया वो नहीं नहीं वो तो बुक्स में नहीं है, ये बॉटल में क्या होता है, बॉटल का एक्सपेरिमेंट तो बुक्स में नहीं है। उसीलिए एक्टिविटी मैं अभी जो किया क्लास 6 से 12 तक पूरा सिलेबस वाइज मैंने एक्सपेरिमेंट बनाया, मेरा ये बॉक्स में किसी भी क्लास का किसी भी कॉन्सेप्ट का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट से थोड़ा एक्सपेंसिव चीज़ लगता, एक पावर सप्लाई DC पावर सप्लाई 6 से 12 तक ये लगता है। मेरा पास एक सप्लाई है करंट कांस्टेंट सप्लाई, ये नहीं होने से इलेक्ट्रिसिटी में जाना में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाद बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका कंपोनेंट बहुत इजी है, मुझे एक रुपये में 4-5 मिल जाता है, जो डायोड होता है रेजिस्टेंस होता है उसमें कुछ खर्च नहीं है, लेकिन एमीटर वोल्ट मीटर ये थोड़ा जरूरी है, उसका बोर्ड बनाना चाहिए, और ये मत सोचना जो खराब कर देगा, ये सबसे गलती है। बच्चे लोग काम करेगा खराब भी होगा, लेकिन उसको बोलना ठीक करो तब होता ही नहीं, उसे नहीं होता, लेकिन वो कोशिश करेगा समझने का कोशिश करेगा जे क्या हुआ कैसे हुआ, तब वो सीखेगा। एक MSc फिजिक्स का लेके आप बोलो जे ये फैन खराब हो गया इसका तुम ठीक करो, तो वो हाथ उठा देंगे, बोलेगा मिस्त्री को बोला गया, कौन मिस्त्री, जो 6 तक पढ़ा है। तो
कैसे वो सीखा है, वो हाथ से खुला है, क्या हुआ देखा, फिर उससे सीखा जे ये करने से ठीक हो जाए। इसीलिए हम बोलता है जब बच्चे लोग का एक्सेस होगा तो तब वो सीख जाएगा। उसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब होगा फेंकिए मत, पहले उसको दीजिए, वो तोड़ने दीजिए। उसीलिए एकदम छोटा बच्चा है, 2.5 ईयर्स 3 ईयर्स देखेगा उसका कोई भी खिलौना दीजिए वो टूट देगा। क्यों टूटता है, जो चलता जाती तो कैसे चलता है, क्यों चलता, उसका समझ नहीं आ, कोशिश करता, वही उसका इंस्टिंक्ट है। हम लोग कोई इंस्टिंक्ट का मार देता है। जब छोटा रहता वो स्टोरी सुनने मांगता है, लेकिन जब क्लास 4 में चला जाता वो स्टोरी नहीं सुनने मांगता, नहीं नहीं वो कुछ नहीं चाहता है, कल होमवर्क है वही करने होगा। तो होमवर्क में चक्कर में पड़ जाएगा तो उसका होगा ही नहीं। मैं तो बेसिकली इन रिसर्च में थी, मैं तो 62 में एमएससी किया, 5 बरस रिसर्च किया, कुछ नहीं हुआ। तो फैमिली का तो डिमांड होता है, मैं एक कॉलेज में एंट्री ले लिया। उसके बाद फिर जो काम किया उसी से एक पेपर भेजा था, बनारस यूनिवर्सिटी का एक कॉन्फ्रेंस हुआ हमारे सब्जेक्ट में, उसमें चिदम्बरम था, चिदम्बरम का एक्सिस्टेंस सिक्का था, साउथ का रामासेशन था, बहुत बड़ा बड़ा क्रिस्टोग्राफर्स था, वो इंटरनेशनली फेमस। मेरा पेपर प्रेजेंटेशन का बाद उन लोग एकदम चुप हो गया। जब ओवर हो गया हमको अलग से बोल के चिदम्बरम बोला तुम बॉम्बे आओ, ये जो सब कर रहा है ये कभी नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ये गलत है, आपको जो प्रोसेस आपको टीचर दिया है उसी प्रोसेस में ये नहीं होना, तो आओ थोड़ा कंपटीशन सीखो। तो फिर मैं बॉम्बे चला गया, जाके बहुत कुछ सीखा टीका। उसके बाद फिर आगे 77 से 80 तक मैं छुट्टी ले लिया, लेके 3 बरस में मेरा PhD हो गया। एक्चुअली PhD हुई 3 बरस में ही हुआ, लेकिन उसी टाइम में मैं कॉलेज से छुट्टी ले लिया। उसी टाइम FIP था, फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तब PhD होने के बाद तो मैं फिर काम शुरू कर दिया रिसर्च। उसके बाद बोस इंस्टीट्यूट का जो रिसर्च डिपार्टमेंट था उससे मैं जुड़ गया प्रोटीन के क्रिस्टलोग्राफी में। लेकिन 1994 में मैं सोचा कि क्या होगा, मेरा कुछ पेपर आएगा, लेकिन मैं जिसलिए कोई सीखने नहीं सीखा, मेरा स्कूल में, मेरा कॉलेज में, इवन यूनिवर्सिटी में हम लोग स्पेशल थ्योरी नहीं सीखा है, तो हम लोग क्या कर रहा, मैं तो कोई पाथ पिकिंग काम नहीं कर सकेगा, तो हमको कुछ करने होगा जिसमें मेरा बच्चा लोग का कुछ फायदा आएगा। सो 95 से मैं ये काम शुरू किया, कैसे अच्छा एजुकेशन दे सकता। तो उसी टाइम में एक समूल बख्शी था जिसने 1983 से 88 आपको टेलीविज़न में एक ही चैनल था, दूरदर्शन, दूरदर्शन में हर संडे में वो एक्सपेरिमेंट करा के, दो टीम होता है आइंस्टाइन और न्यूटन उसका साथ करके, ये बहुत फेमस हुआ। वाइस प्रेसिडेंट का साथ, हाँ एकदम बॉल्ड हेडेड है समूल बख्शी, तो उसने इसका स्टार्ट किया। लेकिन मैं जब शुरू किया उसके साथ मेरा कोई परिचिति ना आता, मैं तब इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स का इंडिया आई मीन कोलकाता का वेस्ट बंगाल का सेक्रेटरी था, उधर का वाइस प्रेसिडेंट था। तो मैं देखा जो एक्सपेरिमेंट जो होता है कोई तो कुछ नहीं करता, बहुत मीटिंग होता है लेकिन काम तो नहीं होता। आप जब IIPT का जर्नल देखेगा बहुत सारे लोग का रिपोर्ट आता है जो क्या वर्कशॉप हुआ, कितना आदमी है, मैं तो महीने में 10 वर्कशॉप करता है, तो उसका भेजेगा तो वो पेज नहीं होगा। इसलिए मैं किधर नहीं भेजता है, मैं कोई पोस्ट भी नहीं कर, लेकिन मेरा हैंडीकैप यही है, मैं रिटायरमेंट का बाद तो घर में है, मेरा घर में कोई मेरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स का है लेकिन वो बैंगलोर में है और वो हेल्प भी नहीं करता है, क्योंकि बोलता वो आप सीख लीजिए, वो कुछ नहीं है, इसे बोलने तो सीख नहीं होता। लेकिन मैं खुद कोशिश किया एक्सपेरिमेंट बनाने के, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं बनाया, इतना छोटा, सिर्फ एक बैलून फुला के एक बच्चा को सिर में लगा दिया, वो लग जाता है। HC फॉर्मा बोला, HC एक्सपेरिमेंट हम कभी सोचा नहीं, उसमें न्यूटन थर्ड लॉ का पूरा प्रमाण हो जाता है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड इक्वल है। एक फोरहेड से देता है और एक बैलून का पीछे, कैसे बैलून का पीछे, उसका कारण मैंने दिया।
उसके बाद अभी इंडिया में बहुत जगह जाएगा वही दिखेंगे उन लोग करता है। मैं बोल दिया मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, बच्चे लोग सीखे यही मेरा इंटेंशन है। मेरा कॉपीराइट देखे क्या है, बोलो तुम जब मर जाएगा, मेरा दो चार बुक्स निकल गया, दो चार सीडी है, तो कब देखेगा, कौन देखेगा? वो मेरा बच्चा लोग थोड़ा प्राउड होगा, मेरा फादर इतना काज किया, काम किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है एकदम। मैं यही सोचता कि जितना आदमी मुझे बुलाएगा वो मेरा प्रिविलेज है, क्योंकि मैं जो सीखा है, मैं जो डेवलप उसका दे सकता। मैं सोचिए जे इस बरस मैं मर गया तो मैं मेरा साथ चला जाएगा। कोई आइडिया कभी बुक्स में नहीं जा सकता। मैं वर्मा जी बोला आपको मैग्नेटिज्म का पूरा लिटरेचर एक लेडी को दे देना, भोपाल में रहता है। अभी तक वो कैसे लिखना होगा उसका समझ में, क्योंकि वो लिखा जो है वो तो सब नहीं है, उससे आगे भी कुछ है जो मेरा दिमाग में है, जो दिमाग से बोलता है वो कैसे पता चलेगा? आपसे बात करके चलेगा? हाँ, मेरे साथ बात करने से चलेगा, लेकिन वो तो हमारे साथ बात नहीं करता। सभी का एक टेंडेंसी होता है जो मैं इसका कुछ फायदा उठाऊँ। मैं नहीं बोलना मांगता, सब कुछ अच्छा है, ऑल टीचर्स आर गुड, बट मैं सीखता नहीं। ठीक है, वो मान लिया, जितना दिन सीखेगा काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो ऐसी छोटा कहानी है जो 94 में मैं प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी छोड़ के मैं 95 से पूरा इसी काम में लग गया। लेकिन तब मैं कॉलेज में था, 2000 साल का बाद निकल गया, लेकिन पढ़ाने मुझे बहुत अच्छा लगता। प्रेसिडेंसी कॉलेज मुझे बुला लिया क्रिस्टलोग्राफी सिखाने के लिए, उधर का मैं गेस्ट फैकल्टी हो गया। इस बरस तो था, लेकिन अभी थोड़ा टायर्ड हो जाता है एक एक वर्कशॉप का बाद, उसीलिए लास्ट ईयर थोड़ा क्लास का डिफिकल्टीज हुआ। तो इस बरस हम बोला छोड़ दीजिए, मुझे बहुत उम्र है इतना उम्र से, और मैं जो काम करता इसका जितना अच्छे से कर सकूँगा। अभी मैं जो कोशिश कर रहा जो एक एक जो मेथडोलॉजी मैं किया मैं लिखता है, मेरा छोटा छोटा डायरी में लिखती है। मैग्नेटिज्म का बाद मैं लाइट में जाएगा, लाइट का मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। ओनली मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं। हाँ, वो मोर और लेस कम्प्लीट इधर ही है। अभी आपका एज कितना है? 77 चल रहा। अभी मैं सोचता है एक दो वर्ष चल, क्योंकि अभी चल सकता, कोई दर्द नहीं है, कोई फेंटिंग नहीं होता है, है ना? अगर आपको लगता है कि जो मैग्नेटिज्म में लिखा है आपने, तो हमारी संस्था उसको पब्लिश कर सकती है? करिए, मैं बोला ना कोई मेरा कॉपीराइट नहीं है, किसी फोटो तो लिखने तो है, मैं थोड़ा स्केच कर देगा, एक्चुअल फोटोग्राफ देने पड़ेगा। अब जो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको पत्रिका में दिया इसी नहीं चलेगा, क्योंकि फोटो कलर नहीं होने से बच्चे को समझ में नहीं आएगा क्या होता है। मैं खुद नहीं, उसका एक स्पेशल अंक छापेंगे तो वो कलर छापेंगे हम ना, सिर्फ मैग्नेटिज्म के ऊपर पूरा एक इशू छाप दीजिए, एक मैग्नेटिज्म के एक एक इशू को एक एक अंक में ले लेते हैं। हाँ बस ठीक है, मैं अभी लाइट कर, मैं मैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट फिनिश्ड, उसमें कुछ हाई लेवल का भी है, क्योंकि जो 11-12 का बच्चा है उस लोग का बहुत जानकारी कम है, तो उसीलिए कुछ थ्योरी भी दे दी, उसमें थोड़ा क्वांटम कॉन्सेप्ट भी दिया, लेकिन उसको बहुत इजी से दिया। मैंने हम दिखाएगा तो देखेगा बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इतना थोड़ा मैथमेटिक्स है। लेकिन सब में मैं कोशिश करता जे आप इस देख के आप क्या इसका रीज़न निकल सकता और नहीं सकता। लेकिन बुक्स में तो आंसर देने पड़ता, बुक्स में तो मेरा सामना में कोई नहीं, लेकिन टीचर्स के लिए बुक होगा तो टीचर्स के लिए मैं नोट दिया जे आप लोग एक्टिविटी करके बच्चा को पूछो क्यों ऐसी हुआ, गलत बोलने दो, मत डांटो, जितना उसका खुलेगा वो बोलने पाएगा। नहीं कागज से गणित सीखे और सिखाए, गणित को भी दोस्त बनाए, तो बाद में वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग का कोशिश देख के मुझे बहुत अच्छा लगता। ऐसी जो DPS का जो मालिक संजय कुमार, उसका एक परिवर्तन बल के जीरादाई में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना, जानता ना? नहीं, डीपीएस
उसका तीन डीपीएस का फ्रेंचाइजी है, एक दिल्ली, एक पंजाब का लुधियाना में और एक पटना में। इसका जितना वो उपार्जन होता है उधर में ऐसी लेबोरेटरी बनाया, कोई कॉलेज में नहीं है, लेकिन वो आदिवासी टीचर्स को ला के हम लोग जाता है उसको सिखाता है एकदम इंस्ट्रूमेंट देके, एवं अभी उसका बेटी इसका चलाता है। इसी तरीका एकलव्य किया, लेकिन एकलव्य का जो मेथडोलॉजी वो मुझे वो एकदम रिसर्च तक ले जाने का कोशिश करता है। मेरा आइडिया है जो नाइन तक बच्चा समझ जाएगा कि कुछ नहीं पढ़ के कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर देगा। ऐसी होगा तो वो डिफरेंट पर्सन हो जाएगा। ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, सेवन में है एयर प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक्स, एट में है मैग्नेटिज्म लाइट, नाइन में फिर मैग्नेटिज्म का और थोड़ा आगे गया लाइट है, उसका साथ थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है मोटर, ऐसा टेन में जाके इलेक्ट्रिसिटी है, बस ख़त्म। सर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, इसमें आप एक इतने लंबे समय से 77 साल की आपकी आयु भी हो गई है, तो इसमें एक चीज़ मेरी बात समझने की है कि देश के लिए हम साइंस क्यों पढ़ाएं, क्यों जरूरी है साइंस? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग का गांव में जो चास करता है, जो पानी से मछली पकड़ता है, मेरा मुल्क में क्या होता है जो हिल्सा फिश पकड़ता ना, वो पानी में हाथ दे के उसका पता चलता जे अभी मच्छी आया। तो ऐसी मेघ देख के जो फार्मर होता है उसका पता चलता है इस ईयर अच्छा नहीं होगा हमें, हाँ। लेकिन इसका आप सोचिए जो गांव में जो घर होता है उसका खिड़की कितना इतना छोटा क्यों होता है, दिन में जब रहता है उसका पास केरोसिन का एक डिब्बा होता है, क्यों होता है आप सोचा है? उसका भूत का भय है, जितना छोटा होगा भूत नहीं आ पाएगा, अरे भूत आना होता तो आएगा ही। तो इसीलिए साइंस एजुकेशन जितना होगा ये सब संस्कार चला जाएगा, ये पहले। दूसरा है अंधविश्वास को दूर करेगा, अंधविश्वास करेगा ही। इसका दूसरा है अभी सभी गांव में साइकिल दिया, एटलीस्ट वेस्ट बंगाल में सभी फैमिली में एक साइकिल के एक बच्चा, एक लेडी होगा तो एक बच्चा, आई मीन स्टूडेंट गर्ल होगा तो उसका एक साइकिल है। अभी देखिए साइकिल का साथ एक जनरेटर और उसके साथ एक बैटरी लगा दीजिए, जो भी टाइम मिलेगा वो उसे आधा घंटा उसका चलाएगा, दिन भर जितना आदमी है आधा घंटा 15 मिनट चलाएगा तो बैटरी का चार्ज हो जाएगा, रात में पूरा बिजली आएगा, उसका बिजली चलेगा, फैन चलेगा, सब कुछ चलेगा, लाइन भी नहीं होगा। क्या लगता है? साइकिल जब जरूरी होगा उससे उसका जो कॉम्बिनेशन है खुल के चेन से खुल के अब लेके भागो। मतलब विज्ञान को हम इसलिए समझना चाहिए कि इजी लाइफ करने के लिए, लाइफ को इजी करना है, नॉट इजी लाइफ का हैप्पी करने के लिए। इजी का मतलब क्या होता है कोई डिफाइन नहीं करता। लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं है कि विज्ञान को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं जो डेवलपमेंट हो रहा है वो नुकसान नहीं कर रहा हमको? जरूर नुकसान करता है, इसीलिए पहले चीज है जो हमको ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे लोग को समझने चाहिए। देखा ना दिल्ली में क्या हीनियस क्राइम हो गया, तो बच्चे लोग को पहले समझने चाहिए जो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग का पैसा चाहिए नहीं शांति चाहिए। जब छोटा बच्चा होगा वो बोलेगा हमका आराम चाहिए, शांति का बात उसका दिमाग में नहीं आएगा। बड़ा बच्चा का हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल में कोई बच्चा नहीं बोलेगा शांति। बूढ़ा जो मरने का टाइम में चला गया वो बोलेगा मेरा शांति चाहिए, क्या इतना डिफिकल्टीज आ जाता है। तो हमें उसको बोलना चाहिए सिर्फ पैसा से आपको आराम नहीं होगा, उसी के माइंड सेट लगता है। आप सोचिए एक 120 करोड़ पीपल इंडिया में आए, सोचिए थियोरेटिकली उसका सबको एक गाड़ी हो गया, वो गाड़ी चलेगा कहाँ, चलेगा जगह नहीं बचेगा। तो इसीलिए सबको बड़े लोग होने का कोई बात नहीं है, जो है रहने दो, जो है वो चला जाता है बाहर में, वो देश में नहीं रहता है। हमारा काम है हमारा गांव का आगे ले जाना, कैसे बहुत सारे साइंस जानने से कि कैसे पानी संरक्षण होता है, कैसे बिजली बनाना होता है,
हमारा सूरज का जब कृपा है इंडिया में कोई देश में नहीं है। कोई देश के सिर्फ गर्मी है, कोई देश में सिर्फ फ्लड होता है बांग्लादेश में जैसे होता है, कोई देश में सिर्फ इतना ठंडा है यूरोप कनाडा सब बर्फ होता है, लेकिन हमारा देश में बर्फ भी है, लैंड भी है, पानी भी है। उसका अच्छा तरीके से इस्तेमाल करने से दूषण भी ज़्यादा नहीं होगा, हम लोग का लाइफ ईजी होगा, हैप्पी होगा। जो गांधी जी ने आपको जो 1905 में जो किताब लिखा ना, वो क्या नाम था, वो एक्सपेरिमेंट विद नहीं वो एकदम नहीं नहीं गांधी जी का बहुत बढ़िया उसमें बोला। और फिर जब इंडिपेंडेंस हो गया नेहरू जी को लिखा जे हमें इसे गांव चाहिए, अभी का जो गांव है उसे नहीं, जिसमें टीचर्स रहेगा, डॉक्टर्स रहेगा, स्कूल कॉलेज रहेगा, गांव सेल्फ सफिशिएंट होगा, वो अपना चास अपना करेगा, पानी का कोई कमी नहीं रहेगा। ये गांधी जी बोला, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में मत चाहिए। रविंद्रनाथ भी बोला जे इफ़ वी चूज द पाथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द डस्ट दैट विल कम बिहाइंड अस दैट विल किल अस। सो दैट थिंग इज हैपनिंग बिकॉज वी आर टू मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन हमारा देश कल्टिवेशन के लिए है, हमारा ठीक तरीके से इसका चलाएगा तो जो फार्मर्स है उसका शहर में आने नहीं पड़ेगा, शहर का आदमी भी उसका जो फसल चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन एक बात तो आप सबको ही जानता है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, उसीलिए मेरा एक सजेशन है, कोई भी क्लास में कोई भी देश नेता नहीं बोलता, जो फ्रीडम फाइटर है हर रोज बच्चे लोग को एक स्टोरी बोलना, स्टोरी नहीं जो रियल है, भगत सिंह इधर का है, मंगल पांडे, मंगल पांडे का बात जो किसी कितना उसका जोश था जो फांसी में चढ़ गया, खुदराम बोस का बात ऐसे इतना है, विद्यासागर है, इधर भी बहुत लाला राजपत जी है, बहुत सारे आदमी है सारा देश में, जो प्रोविंस है उसका जानकारी जिसका है, थोड़ा टीचर लोग को ये बोलने होगा ये कैसे मेरा देश स्वाधीन हुआ, उसमें कितना बलिदान हुआ। मैं जब आंदामान में वर्कशॉप लेने गया, मैं सेलुलर जेल में जाके तज्जब हो गया, उन लोग जिस तरह का एक लाइट एंड साउंड देखा था उसमें फ्रीडम फाइटर का कोई हिस्ट्री नहीं है, तो मैं बोला ये गलत है। उस ये क्या बोलता है जो फेमस म्यूजिशियंस है रहमान का म्यूजिक और कोई डांस सीक्वेंस ये सब होता है, मुझे बहुत बुरा लगा, दे लोग उसका लाइफ दे दिया उधर, हंगर स्ट्राइक किया उसका बोला है, लेकिन उसमें कोई जोश नहीं है, जिस सुन के मेरा ब्लड थोड़ा ज़्यादा चलेगा। तो इसीलिए हम बोलता है जे मेरा देश नहीं है, हमारा इंडिया में कोई स्कूल में आप पूछिए जे मेरा देश क्या हो, देश क्या होता है, देश का डेफिनेशन क्या है, हम बोलते हैं ना देश का, हम आई लव माय कंट्री, यू गो टू अमेरिका यू विल सी व्हाट इज लव फॉर द कंट्री। कोई भी एक चीज जो अमेरिका में नहीं चलता आप बोलिए, बच्चा भी आपको बोलेगा आप गलत बोलता है। तो हमारा देश में उसी जगह पहुंचने के लिए ये जरूरी है, हमारा फ्रीडम क्या होता है, देश कोई मिट्टी नहीं होता है, देश अंदर में होता है, इसी देश में मेरा माँ बाप है, पहले फैमिली से स्टार्ट करना, उसका बाद धीरे धीरे सिटी में जाना, उसका बाद देश में। और देश का जो अच्छा आदमी है सुभाष चंद्र बोस, उसी टाइम में मैं बांग्ला का बोलता इसलिए मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे आदमी पूरा देश में है, कर्नाटक में है, पंजाब में है, कश्मीर में भी है, कश्मीर और एक बात नहीं, कश्मीर का बात बोलना नहीं चाहिए, तब भी बोलता है जिस टाइम से मुगल आ गया उससे आगे से कश्मीर कभी फ्रीडम नहीं मिला कश्मीरी लोग को। अब हिस्ट्री देखेंगे उसका आगे एक हिंदू राजपूत था राजा, उसके बाद मुगल आया, मुगल फिर उसका कब्जा कर लिया, उसके बाद अंग्रेज आया वो भी कब्जा करके फिर उसका राजा बना दिया,
जब इंडिपेंडेंस हुआ उस राजा इंडिया को उसको दे दिया। पहले काम किया क्या किया, जे कश्मीर में जाने के लिए आपको परमिट होगा लगेगा, तो इंडिया में जो इंक्लूड हो गया उसके लिए क्यों परमिट लगेगा? तो उसका मतलब कश्मीर बराबर अलग है और उसका इंडिपेंडेंस नहीं है, उसका अपना कुछ डिसीजन लेने का कोई, ये है कश्मीर प्रॉब्लम। सो सब कुछ सोच रहे, पहले हमको अच्छा आदमी बनाने का एक स्कीम रखना, उसका साथ साइंस एडुकेशन। साइंस एडुकेशन हेल्प करता है अच्छा आदमी बनने के लिए, क्योंकि जितना साइंटिस्ट है, मैं फैराडे का बात आज नहीं बोला, फैराडे क्या था, ये अनपढ़ आदमी था, एकदम अनपढ़ आदमी था। 7 ईयर्स में वो एक बुक बाइंडिंग स्कूल में गया, बाइंडिंग करके जो पैसा मिलता घर का खाना के लिए। फैराडे है, न्यूटन है, जेम्स वाट, नहीं नहीं न्यूटन का पैसा था, रामानुजन, रामानुजन है वो, तो एकदम भिखारी था, नहीं लेमैन नहीं भिखारी था, उसका बेगर मैथमेटिक्स और कुछ नहीं जानता, उसका डिग्री तो उधर से दिया, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी किया उन लोग। जब बाहर गया 30 ईयर्स से, तो माँ का जो दिवा बचन के लिए वो तो मर गया, माँ बोला जी अपना हाथ से खाना, किसी को साहेब के साथ खाना नहीं खाना, तो जब खाना इसे नहीं खाया उसका तो टीबी हो गया, जब टीबी हो गया खाना आउट बंद हो गया उसका कोई, जब वापस आया वो तो ऑलमोस्ट डेड। तो देखिए उतना टैलेंटेड, हमारा देश में बहुत सारे टैलेंट है, क्या गिरा कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये थे आपके सामने प्रोफेसर बी एन दास, जो जीवन भर 77 साल की उम्र में डिग्री कॉलेजों में पढ़ाने के बाद भी भौतिक विज्ञान को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं, गांव को विकसित करने की बात करते हैं, गांधी के गांव को विकसित करने की बात करते हैं, और विज्ञान के माध्यम से नए अच्छे नागरिक बनाने की बात करते हैं। विज्ञान क्यों पढ़ाया जाए, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए विज्ञान पढ़ाया जाए, गांव और देहात को मजबूत बनाने की बात है, जिससे देश हो। देश के मायने को भी बच्चों को समझने की जरूरत है, देश है क्या, खाली झंडा लहराने से देश नहीं बन जाता, देश दिलों से बनता है, और उस दिल में एक अपना भावना, अपना देश समझ में आना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा बात करेंगे एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। आइए पहचाने अपनी थाली का जहर, जानिए कैसे मनुष्य विज्ञान से भटका और अंधविश्वास में अटका। तुम्हें जान ले जाए।